हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनिया, योर जीके टीचर। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट NRA CET। NRA और CET क्या होता है, क्योंकि ये न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी आई है, जो क्या एजेंसी आई है, जो क्या करेगी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। आज हम उसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या बोलता है, कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये है हमारे NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की डेफिनेशन ये होती है। और ये रही CET की, कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। NRA के बारे में आज हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 19 अगस्त 2020 को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के जो पोस्ट होंगी सभी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए एक ही कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए परमिशन दे दी गई है। मोदी जी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते थे, उनकी जगह अब बस एक एग्ज़ाम होगा। जहां बात ध्यान देने वाली है कि जो एग्ज़ाम हैं CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, केवल ये किस पे लागू होगा, सेंटर गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पे लागू होगा। और अगर अब हम बात करें स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स जो हों, जैसे हो गया IBPS, RRB, SSC, जो भी एग्ज़ाम होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनमें CET, NRA जो एजेंसी है वो क्या करेगी, ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया तो कुछ क्या हो गए, सवाल खड़े हो गए, क्या SSC, RRB, IBPS बंद हो जाएगा, क्योंकि IBPS की होगी, RRB की होगी, SSC की होगी, इनकी अलग से क्या निकलती है, पोस्ट निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या अब ये IBPS, RRB, SSC क्या ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, अब मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ, सब कुछ क्लियर करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। IBPS, RRB, SSC बंद नहीं होगा। आइए मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, देखते हैं। उम्मीदवारों को उन्होंने क्या किया कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्या करने के लिए, राहत देने के लिए ये किया है। हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर जी है, उन्होंने क्या किया है कि ट्वीट करके बोला है कि जो 2.5 करोड़ जो हैं कैंडिडेट हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। क्या होगा कि ये CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उस ये क्या करेगा, IBPS, RRB और SSC, इन सभी के लिए क्या करेगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि जो फर्स्ट पेपर होता था इसका, जैसे कि IBPS का अलग देने पड़ता था, RRB का अलग देने पड़ता था, SSC का अलग देना पड़ता था, उसके लिए अब एक जो फर्स्ट पेपर है, कॉमन पेपर लिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये मामला क्या है, हम लोग देखते हैं कि इससे कैंडिडेट को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले उन जो कैंडिडेट हैं उनको क्या मिलने वाली है, बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्या होता था कि कैंडिडेट अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फीस पे करते थे। जैसे कि ये प्रीवियस एग्ज़ाम सिस्टम है, जैसे IBPS का फर्स्ट पेपर देने के लिए इनको अलग से फीस देनी पड़ती थी IBPS को, SSC जो कंडक्ट करवाती है एजेंसी उनको अलग से, और RRB वालों को क्या करना पड़ता था, अलग से क्या देनी पड़ती थी, फीस देनी पड़ती थी। उसी को क्या ठीक करने की कोशिश की गई है, कैंडिडेट को अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस ना देनी पड़े। इससे एग्ज़ाम डेट, अब क्या होता है कि न्यू एग्ज़ाम सिस्टम में क्या आता है कि जैसे कि ये
बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये सी सिर्फ एक ही बार क्या करेंगे, तीनों पेपर्स के लिए एक बार फीस पे करेंगे न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उनको इस प्रीवियस एग्ज़ाम की तरह सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी। और जो नेक्स्ट बेनिफिट इसमें आता है कि कई बार क्या होता था कि एग्ज़ाम क्या करता डिफरेंट, मतलब कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट थी वो क्या हो जाती थी, क्लैश। कभी क्या होता था कि दो एग्ज़ाम क्या हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, और वो दोनों एक साथ देना क्या हो जाता था, मुश्किल दे हो जाता था। मान लो कि एक पेपर है दिल्ली और एक पेपर है हिमाचल, अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग, मान लो मैं हिमाचल में रहती हूँ, मैं हिमाचल का पेपर दूंगी और उसका हिमाचल का पेपर देने के बाद उसी दिन मैं दूसरा पेपर देने के लिए दिल्ली कैसे जा सकती हूँ। उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करेगी ये जो न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी सिस्टम है, ये क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को। ये हमारी जो एग्ज़ाम डेट है उनको क्लैश नहीं होने देगा। अब जब आप एग्ज़ाम फीस करते थे ना, IBPS, रेलवे, इनको अलग अलग एजेंसी को फीस देनी पड़ती थी, अब हमें क्या करना है कि फीस नहीं देने पड़ेगी। और साथ साथ में हमें एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इसमें कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि IBPS, SSC, RRB की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम थे ना उनको देने के लिए, इनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो अलग अलग होते थे, उनको देने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ता था। एग्जामिनेशन सेंटर जब हम जाते थे तो हमारे क्या होते थे, कॉस्ट लगती थी, आने ट्रैवल का खर्चा लगता था, और हमारे क्या होता था कि बहुत दूर कई बार होता था एग्जामिनेशन सेंटर होता था, और स्टूडेंट्स को कई बार क्या होता था कि दूर का एग्जामिनेशन सेंटर है तो पता ही नहीं चलता था। कई ऐसे स्टूडेंट तो होते हैं कि जिनको एग्जामिनेशन सेंटर जो है टाइम पे नहीं मिलता और उनका जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी न्यू इसमें सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या करेगी, एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगी, जिससे कि हमें दूर ना जाना पड़े कहीं पेपर देने के लिए। अब जो शहरों में रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, उनके एग्जामिनेशन जो सेंटर है पास ही आ जाते हैं, बट जो गांव वगैरह में रहते हैं उनके लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, कहीं को 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इतना क्या दूर जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल जो है हेल्प मिलेगी, उनका जो है ट्रैवल का जो खर्चा ज़्यादा होता था वो क्या बच जाएगा। अब तक हमारी जो एग्ज़ाम लेने का सिस्टम था CET एग्ज़ाम सिस्टम में, अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर क्या करते हैं कि हम लोग SSC, IBPS और RRB के लिए एग्ज़ाम फिल करते हैं, तो अब ये नॉर्मल सी बात है कि हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब यहाँ पर हमें सभी फैक्टर का सामना करना पड़ता था, अलग अलग एजेंसी को फीस देनी पड़ती थी, पैसे खर्च होते थे, एग्ज़ाम एक दिन आ जाते थे और एक एग्ज़ाम को हमें छोड़ना पड़ता था, दिल भी ना चाहते हुए भी हमें एक एग्ज़ाम को क्या करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था। अब गवर्नमेंट में सारी चीज़ों को हटाकर एक काम किया है, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया है। अब ये NRA CET है क्या, आपके भी ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि NRA CET है क्या। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये क्या करेगी, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। NRA क्या है, एक एजेंसी है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी IBPS, SSC, RRB के लिए कंबाइंड। एक ही प्रीलिम्स का पेपर होगा, जैसे कि IBPS, RRB, SSC के लिए क्या करेगी, प्रीलिम्स जो होता है एग्ज़ाम या स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो क्या करेगी, एक ही कंडक्ट करवाएगी। अब IBPS, RRB को मिला के एक एग्ज़ाम बना दिया गया है CET। अब जो स्टेज, अब ये मत सोच लेना आपकी, हाँ हम लोगों ने CET क्लियर कर लिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। IBPS, SSC, RRB ये क्या है कि जो इनका प्रीलिम्स का पेपर होगा, सिर्फ ये वही क्वालिफाई करेंगे कि नेक्स्ट पेपर देने के लिए ये क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। IBPS जैसे कि मेंस एग्ज़ाम लेता है, SSC टायर 2, टायर 3 लेता है, RRB
टायर सेकंड लेता है तो ये क्या होगा कि ये होंगे, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीईटी पास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बात, अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, यूपीएससी पीएससी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, क्या ये भी एनआरए एजेंसी के अंडर आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी पीएससी ये क्या होंगे, एनआरए के अंडर नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं उन कॉमन क्वेश्चंस की जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जो मतलब कि आते ही हैं कॉमन स्टूडेंट के दिमाग में। जैसे कि एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण का होगा, कि जो एनआरए है वो कितने स्टेजेस में क्या करेगा, पेपर कंडक्ट करवाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एनआरए जो है, एनआरए सीईटी ये जो टेस्ट है ये किस पे होगा, क्वालिफिकेशन के बेस्ड पर होगा। जैसे कि टेंथ का अलग से होगा, हम लोग टेंथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्वेल्थ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी क्या है, ग्रेजुएशन है या डिग्री है, हम उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हमें ये तीन लेवल से हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, साल में दो बार, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस में क्या बोलते हैं कि साल में दो बार ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा एनआरए सीईटी का, कि आप उसमें क्वालिफाई कर लें। ये दो बार पेपर होगा हमारे एक साल में। नेक्स्ट जो आता है कि सीईटी की वैधता क्या है, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सीईटी है उसकी वैधता क्या है। मैं आपको बता दूं कि एनआरए का जो सीईटी टेस्ट है वो कितना है, 3 इयर्स के लिए क्या है, वैलिड है। मान लो कि मुझे तो पता ही नहीं है कि एनआरए कितने नंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, तो मैं मान रही हूँ कि मान लो ये 100 मार्क्स का क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, और मान लो आपने उसमें से कितने ले लिए, 70 नंबर, तो ये जो 70 मार्क्स हैं ये हमारे कितने, 3 साल तक क्या होंगे, वैलिड रहेंगे। जब तक आप दूसरा सीईटी नहीं दे लेते तब तक ये हमारे जो मार्क्स हैं वैलिड रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के एग्ज़ाम में, कि दिमाग में कि जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 3 तो रहने ही वाले हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि आईबीपीएस, एसएससी क्या करता है, लैंग्वेज पेपर कंडक्ट करवाता है। लैंग्वेज पेपर मींस इंग्लिश, हिंदी, ये क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। बट अगर हम लोग बात करें आरआरबी की, तो वो क्या करता है, लैंग्वेज पेपर नहीं कंडक्ट करवाता है। तो अभी इसके बारे में बोलना कुछ नहीं बोल सकते कि लैंग्वेज पेपर होगा या नहीं होगा, कि जो है सीईटी, जो एनआरए है वो क्या करेगा, एजेंसी है वो लैंग्वेज पेपर लेगी या नहीं लेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।